तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास गाड़ी आई है, जुपिटर है। इसका हॉर्न नहीं बज रहा है, तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा जो हॉर्न में आखिर हुआ क्या है। तो आप प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं, इसका अभी चाबी ऑन है, ऑन था, ऑफ किए, अब इसको ऑन किए, ठीक है। अब इसका हॉर्न दबाते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं, ज़रा सा भी वाइब्रेट टाइप का भी कुछ होता है तो माना जाता है कि नहीं, चलो बज रहा थोड़ा बहुत, कोई इशू हो गया होगा तो उसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं बज रहा है, तो इसको हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको जो है तो इसका ये हॉर्न वाला चीज चेक करना पड़ेगा, क्लिक, ये हॉर्न वाला स्विच चेक करना पड़ेगा, आखिर इसमें प्रॉब्लम है ना क्या। तो इसको खोलने, इसको कैसे खोला जाता है? तो इसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप खोल सकते हैं, इसको यहाँ फंसा के अंदर से खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, इसलिए मैं अकेले हूँ, इसलिए पहले आपको इसको खोल के बता देता हूँ आखिर प्रॉब्लम क्या है। देख सकते हैं, इसको हमने खोल लिया है। इसमें इसको बाहर से खोल के दबाना है कि किस तरह से दबता नहीं दबता। तो देखिए कि इसको पूरी तरह से हम दबा रहे हैं, फिर भी ये नहीं बज रहा है। तो अब हमको इसको पहले इसके तार को खोलना पड़ेगा। यहाँ से इसको डायरेक्ट करके बजाते हैं, इसमें एक वायर फंसा के दोनों तार में इसको डायरेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट करके बच जाता है तो अंदर ठीक है, वरना अंदर खोलना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, अभी इसको डायरेक्ट करने का काम किया जा रहा है। डायरेक्ट हो जाता है, अगर ऐसे बच जाता है तो ठीक है, हॉर्न नीचे ठीक होगा, वरना हमको नीचे सप्लाई चेक करना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम हुआ क्या है। देख सकते हैं, हमने डायरेक्ट भी कर दिया है लेकिन कुछ बज नहीं रहा है नीचे से। तो इसका नीचे में जो है ना, एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे। अब ये पूरा खोलना पड़ेगा हमको, इसको खोल के हॉर्न इसके भीतर में रहता है तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है तो ये पूरा बम्पर हमको खोलना पड़ेगा, पूरा लेग गार्ड जो है दोनों साइड का, लेफ्ट राइट का। और यहाँ पर जो है तो नट है, स्क्रू है, इन सबको खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद 10 नंबर ये दिए, दोनों 10 नंबर खोलना है पहले इसको। तो फ्रेंड्स, फाइनली इसको हमने खोल लिया है, ठीक है, ये खुल गया है पूरा बम्पर, देख सकते हैं आप। अब इसके यहाँ पर हॉर्न लगा हुआ है, तो इसको हमको पहले खोलना पड़ेगा, खोल के चेक करेंगे, क्या है कि यहाँ जगह मिलता नहीं उतना, इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो हमने इसको खोल लिया है, अब इसका चेक करेंगे हम जो आखिर ये बच के नहीं रहा है। सबसे पहले इसके जो वायर्स हैं इसको टाइट कर लेना है बढ़िया से, तो ये टाइट है कि नहीं है, इसका वायर बिल्कुल टाइट है। उसके बाद आपको यहाँ से स्विच को ऑन करना है। नेक्स्ट जो है तो आपको यहाँ पर ये जो जो बटन है, जो स्विच है, उसको दबाना है, उसको दबा के चेक करना है। आप किसी एक बंदे को बोल सकते हैं कि आप जो है तो स्विच को दबाइए, हम हॉर्न या चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने स्विच खोला था उस स्विच को हमने निकाल लिया है। उसके बाद अब इसको प्रेस करके देखते हैं। इससे पहले जो है तो पहले चेक कर लेना है कि ये बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो उससे पहले जो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जब देखें कि नहीं बज रहा है, देखिए अभी हम हॉर्न प्रेस कर रहे हैं, हॉर्न दबा रहे हैं लेकिन बज नहीं रहा, यहाँ पूरा दबा रहे हैं हम, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो 7 नंबर का नट है, ये जो एक 7 नंबर का नट होता है उसको पहले लूज़ करना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेके इसको एडजस्ट करना है इसको। तो आपको इसको स्क्रू को घुमाते रहना है, वहाँ दबा के रखना है कि जहाँ पर इसका हॉर्न का साउंड आ जाएगा वहीं पर छोड़ देना है। तो ठीक है, हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं फिर उसमें। तो जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये स्विच हमने दबाया है अभी, ठीक है, इसको दबा रहे हैं। तो देख सकते हैं थोड़ा सा लाइन आ चुका है क्योंकि हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। देखिए यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, देखिए वो ये थोड़ा सा अभी साउंड कर रहा है, सुनाई दे रहा है आपको, सुन लीजिए, थोड़ा सा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसको एडजस्ट करेंगे, तो भाई साहब थोड़ा पकड़ के इस दबा के रखिए इसको, ये हॉर्न दबा रहे हैं, हम यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी किस तरह से साउंड करेगा, वो दबा रहा है वो। इसको जो है तो थोड़ा टाइट लूज जैसा भी करना है, जहाँ पर साउंड आ जाए वहाँ छोड़ देना। देख सकते हैं अब यहाँ साउंड आ रहा है, देखिए कितना अच्छा खासा साउंड आया है, बजाइए। ओ भाई, तो ऐसे करके आपको एडजस्ट करना है। अगर आपकी वायरिंग वायरिंग में किसी किस्म की कोई दिक्कत हो जाती है तो वो अलग मैटर है, आपको वायरिंग चेक करना पड़ेगा। हालांकि इसमें वायरिंग का इशू नहीं था, इसमें सारा चीज़ ठीक है, इसमें सिर्फ जो इसका ट्यूनिंग है वो ख़राब हो गया था। तो इस ट्यूनिंग को इस तरह से ही मिलाया जाता है, वहाँ हॉर्न दबा के, और यहाँ पर जो है तो आप मिक्सर स्क्रू को जो है तो टाइट लूज़ करके आप देख सकते हैं जो कहाँ पर इसका एडजस्ट ठीक बैठ रहा है। अगर उस पर भी ना बैठे
तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, क्या कि हॉर्न जल्दी ख़राब होता नहीं है, इसके थ्रू 8 नंबर नट के थ्रू भी आप इसको टाइट या लूज़ करके, इसको भी दोनों ऑप्शन इसको भी करके देख सकते हैं, तो फिर आराम से आपका हॉर्न ठीक हो जाएगा। तो चलिए ये तो ठीक हो गया है, अभी हम इसको एक बार और दबा देते हैं, बजा देख सकते हैं अभी पूरी तरह काम कर रहा है, ये अच्छे से बजने लगा है, ठीक है। और बाकी बाकी का प्रोसेस देख सकते हैं, ये हॉर्न तो ठीक हो गया, अब इसको फिट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसको हॉर्न को भी फिट कर लिया है, अब यहाँ से आपको बजा के दिखाते हैं। बहुत अच्छा खासा साउंड कर रहा है, अब फाइनली ठीक हो चुका है। तो फ्रेंड्स जिस तरह से खोले थे वैसे ही लगाना है, ज़्यादा कुछ अब वीडियो लंबा नहीं करते हैं, और जो है तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरे चैनल पर आप बने रहे, आप मेरी वीडियोज़ को देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और आपके यार दोस्त जितने भी उनको शेयर कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हॉर्न ना बजे या गाड़ी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरह से रिपेयर किया जाए। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, जय हिंद जय भारत।